मंत्रों से गुंजित, यज्ञ धूमों से धूसरित, गीता की गायिका, महाभारत की साक्षी, साधु संतों की सेविका, लोक संगीत लोक नाट्य की रंगस्थली, स्वांग का प्रचार और प्रसार हरियाणा की पावन धरती पर ही हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वांग आखिर है क्या? स्वांग आखिर स्वांग है क्या? स्वांग का मतलब है भेष भरना, रंग भरना, नकल करना। जी, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति रही है भेष भरना और नकल करना। वंस ग्रेट अरिस्टोटल सेड, देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल इमिटेट नेचर। अतः कोई भी चीज मौलिक नहीं हो सकती, हम सब कुछ इस प्रकृति से ही तो नकल करते हैं, और यही तो है हमारा स्वांग। और भेष भरने और नकल करने में सबसे माहिर हैं भगवान श्री कृष्ण। आज उन्हीं का ही एक स्वांग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण रंग भरते हैं, रूप भरते हैं और स्वांग करते हैं। सबसे पहले गुरु वंदना। ओम नाम सबसे जो इसका सुमिरन करे, तो बंदे शुद्ध आत्मा। जा रहे हैं आज का स्वांग गोपी उद्धव संवाद मथुरापुरी के बीच में। मथुरापुरी के हे जी बी ही उग्रसेन का हरा जी था, उग्रसेन का राज, उग्रसेन के कंस को घर में राजा दुष्ट महान हुए, उग्रसेन के कंस को घर में राजा दुष्ट महान हुए, उग्रसेन के कंस को घर में राजा दुष्ट महान हुए। हरधर सूरसेन के
प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में होता है कि कंस ने पहले ही 6 कन्याओं की हत्या कर दी, इसलिए जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण को दूर ब्रजमंडल में भेज दिया जाता है और वहां पर भगवान कृष्ण ऐसी मनोहारी लीलाएं करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल को रोमांचित कर देते हैं। और जब कंस को पता चलता है कि ऐसा कोई बालक ब्रिज में आया है तो क्रूर नाम के साथी से कहते हैं, जाओ उसे वापस लेके आओ। भगवान वापस मथुरा आते हैं और होता क्या है, पूरा का पूरा ब्रिजमंडल कृष्ण के बिना मृत हो जाता है। भगवान को पता चलता है कि उनके बिना पूरी गोपियां, पूरा ब्रिज, बाल गोपाल सब निराश है, तो अपने सखा, अपने दोस्त उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव जी, आप गोकुल जाएं और जाकर ब्रह्म का पाठ पढ़ाएं, जाकर उन्हें बताएं कि कृष्ण को भूल जाओ और सच्चिदानंद भगवान को याद कीजिए, सिर्फ ब्रह्म का पाठ पढ़ाइए। अतः उद्धव जी वो संदेश लेकर चल पड़ते हैं गोकुल और यहीं से हमारा स्वांग शुरू होता है, गोपी उद्धव संवाद। गोपी संदेश हरि का पूर्ण ब्रह्म का क्या निराकार घट घट में भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश वाहक हूं। भगवान कहते हैं न बंधनोस्ति न बंधनोस्ति न मोक्षोस्ति नैक्यमस्ति निरामय नैक्यमस्ति नैच द्वित्वम सच्चिदाकारम विजयते। अर्थात न बंधन है न मोक्ष, सिर्फ सच्चिदानंद भगवान है। आप कृष्ण को भूल जाएं, आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं और सिर्फ ब्रह्म को याद कीजिए। गीता सार इदम शास्त्रम,
गीता सारिदं शास्त्रं सर्व शास्त्रं सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं सर्व शास्त्रं सुनिश्चितं। भगवान कहते हैं कि आप उन्हें भूल जाएं और सिर्फ सिर्फ निराकार परमात्मा को याद रखें, निराकार परमात्मा को याद रखें। उद्धव जी, जो बात कृष्ण भक्ति में है ना, वो बात तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर है। कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है, और भक्ति ही तो गोपी है, है? हर गोपी में कृष्ण है और कृष्ण में ही गोपी है। हर गोपी में कृष्ण है, कृष्ण में गोपी है। अरे कहा तुम मूड गवार गोपी और कहा भगवान श्री कृष्ण। अरे बड़े आए कृष्ण वाले, तुम्हारे लिए होगा तुम्हारा ब्रह्म। अरे जानते हो तुम्हारे उस कृष्ण के साथ कैसी कैसी लीलाएं रची है हमने, सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे तंग। ऐसा कौन सा स्वांग रचाया है भगवान श्री कृष्ण ने, बताइए जरा हमें भी। उद्धव जी, ऐसी ही एक लीला मैं आपको बतलाती हूँ। जब राधा से मिलने को प्रभु स्वयं राधा बन गए। राधा से मिलने के लिए प्रभु स्वयं राधा बन गए। आप भी क्या क्या स्वांग रचाते हैं भगवान। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किसा आनंद छा गया आज मिले आज
सब सिंगार। पैरा में पायल पैरा दू गले में नो लखा हार, माथे ऊपर बिंदी ला दू कान में झुमके एक सार, माथे ऊपर बिंदी ला दू कान में झुमके एक सार। बटवा सा मुँह गोल सजा दू, बटवा सा मुँह गोल सजा दू, फर्क रहे बात श्याम सखा ऐसी लीला करते थे, नाच नाच कर ऐसा स्वांग में भरते थे। कुछ और सुनाओ उनकी लीला, कैसा स्वांग में करते थे। माखन चोर चिचोर की कुछ और लीला सुनाओ ना प्यारी। अरे उद्धव जी, स्वांग केवल कन्हैया ही ना किया करते, तो असली स्वांग हमारी राधा रानी रचा करती। राधा रानी? राधा रानी भी स्वांग रचती थी, लीला करती थी। उद्धव जी, एक बार जब राधा रानी को कन्हैया से मिले बहुत टाइम हो लिया, तो राधा रानी ने सांप काटने का ऐसा स्वांग रचाया कि तुम्हारे उस कान्हा ने स्वयं आना पड़ा वैद्य बन के उपचार करने खातिर। क्या कहती हैं आप, मेरे भगवान श्री कृष्ण वैद्य बन गए? आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं भगवान, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, आप वैद्य बन गए। जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण। हाय रे, काट लिया रे काले नाग ने। मतलब का शोक लगा पीछे लेकर मौका भोग लगा ना काबू में शरीर बैद कोए बैद कोए बैद कोए तोले ने गाट गठी लायो बैद रंगीला पलम हल्दी का घोल चढ़ा फिर तुलसी का अर्क चढ़ा पलम हल्दी का घोल चढ़ा फिर तुलसी का अर्क चढ़ा फिर चंदन का लेप करा माखन चोर माखन चोर 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 मोहन बन राजा चाल पड़ा। क्यों रे राधा, क्या जरूरत थी ऐसा स्वांग रचने की? हाँ प्रभु, मैं अच्छे से जानती थी कि मेरे मंत्र मन की इच्छा को जानकर आप ही तो वैद्य रूप में यहाँ आएंगे। श्रीमन नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग में नारी नारी हरि हरि तेरी लीला जग में नारी नारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि।
नहीं करनी थी? हमें लगा ही था कि आप भूले होंगे। अरे राधे रानी, आप सोचती हैं भूल गया था, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अरे मैं तो महाराष्ट्र की तैयारी में जुटा था और आपके लिए ऐसी धुन बनाई है जिसके सुन के हमारी राधा बौड़ी हो जाएगी बौड़ी। सच सच कहते हो? ये सच नहीं, सच मुझ कहता हूँ, सच मुझ। सुनाओ। सुन राधा प्यारी वो लीला हमारी सुन, राधा प्यारी हम जमुना किनारे यूं गाने लगे, हम जमुना किनारे यूं गाने लगे, आपस में मिलकर सब ब्रज नारी हंस हंस के ये ताली बजाए। बंदा शरद पूनम का चंदा न होता कभी मंदा, सब मोहित हो देख क्या पुरुष क्या परिंदा, सब मोहित हो देख क्या पुरुष क्या परिंदा। रात कितनी सुहानी संग राधा रानी, हा हा मोहन की बाणी। Oh,
क्षमा। क्षमा क्षमा ब्रिज गोपियों, रास महारास कृष्ण प्रेम, मुझे माफ करना ब्रिज गोपियों, मैं मूर्ख मूड अज्ञानी ब्रह्म स्वरूप गोपियों को ब्रह्म का पाठ पढ़ाने चलाया। न बंधन अस्ति, न मोक्ष अस्ति, नैक्यम अस्ति निरामय, नैक्यम अस्ति न चेद्वित्तम सच्चिदाकारं ब्रजरपते। अरे मैं क्या सिखाऊंगा, तुम्हारा कृष्ण प्रेम ही तो सच्चिदानंद, मुझे क्षमा करना। मैं भगवान श्री कृष्ण को जाके कहूंगा, मैं उद्धव जाके कहूंगा कि हे प्रभु, सारा ब्रजमंडल कृष्ण में है और सच्चिदानंद भगवान और कुछ नहीं, ब्रह्म कुछ नहीं, तुम्हारा कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति ही सच्चिदानंद भगवान है। मुझे माफ करना, उद्धव को माफ करना ब्रजवासियों, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। उद्धव जी, जय जय श्री राधे, मेरे श्याम सखा से कह देना सभी ब्रजवासियों की ओर से प्रणाम मेरे प्रभु को। राधा कृष्ण कृष्ण राधा।